हिस्सा। दिल्ली में हो रहे वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ मिलकर कर रहे हैं। उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने सदियों से अनगिनत लोगों को प्रभावित किया है। इनसे प्रेरित होकर भारत विश्व कल्याण के लिए नई पहल कर रहा है। 20-21 अप्रैल को राजधानी के अशोक होटल में होने वाले सम्मेलन शुरू हो चुका है। इसमें लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि और विदेशों के लगभग 180 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा सम्मेलन में शामिल होने बुधवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। पीएम मोदी ने कहा कि इस धरती की परंपरा है अतिथि देवो भव, यानी अतिथि हमारे लिए देवता के समान होते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध के विचारों को जीने वाले इतने व्यक्तित्व जब हमारे सामने हो तो साक्षात बुद्ध की उपस्थिति का एहसास होता है। बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बौद्ध है, स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है, चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। यह सोच शाश्वत है, ये बोध कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। अमृतकाल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए बड़े लक्ष्य भी हैं और विश्व कल्याण के लिए नए संकल्प भी हैं। भारत ने दुनिया में नई पहल की है और इसमें हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा भगवान बुद्ध है। हमें दुनिया को सुखी बनाना है तो स्व से मिलकर संसार संकुचित सोच छोड़ना और समग्रता का बुद्ध मंत्र ही एकमात्र रास्ता है। आज ही समय की मांग है कि हर व्यक्ति की, हर देश की प्राथमिकता देश हित के साथ ही दुनिया का हित भी हो। इस शिखर सम्मेलन में बौद्ध दर्शन और विचार की मदद से समकालीन चुनौतियों से निपटने के बारे में चर्चा होगी। यह वैश्विक शिखर सम्मेलन बौद्ध धर्म में भारत की प्रासंगिकता और उसके महत्व को रेखांकित करेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में ही हुआ था। इस दो दिवसीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शन से अभ्यास तक है। इसी के साथ बने रहिए राजनवा टीवी के साथ। धन्यवाद।